बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फिरनी। फिरनी के बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर दूध, 150 ग्राम चीनी, 200 ग्राम खोया, 50 ग्राम चावल मैंने भिगा कर पीस लिया है बारीक, और कुछ आधी प्याली बादाम कटे हुए हैं, और आधी प्याली मेरे पास है पिस्ता कटा हुआ। अब हम फिरनी को बनाना शुरू करते हैं। अब हम पहले दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। दूध हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पिसा हुआ चावल डालकर अच्छी तरह पकने देंगे। ये देखें, दूध में अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अब हम इसमें ये पिसा हुआ चावल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे अच्छी तरह से हम पकने तक चलाते रहेंगे। ये देखें, स्लो आंच पर फिरनी हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह पक रही है। इसे हम अच्छा गाढ़ा होने तक पकने देंगे। ये देखें, फिरनी हमारी अच्छी तरह से गाढ़ी हो रही है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। ये हमने चीनी ली है 150 ग्राम। चीनी डालकर भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और स्लो आंच पर चीनी गलने तक इसे पकने देंगे। ये देखें, चीनी हमारी अच्छी तरह से दूध और चावल में घुल गई है। हम इसे और गाढ़ा होने तक अच्छा पकने देंगे। फिर इसमें हम खोया डालकर इसे और अच्छे से पकने देंगे। ये देखें, फिरनी हमारी अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे 200 ग्राम खोया। खोया डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें खोया घुलने तक हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखें, खोए को हमने बहुत अच्छी तरह से दूध और चावल में मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से थिक और गाढ़ी होते जा रही है। खोया हमने इसमें अच्छा खासा डाला है, इसे हम खोया फिरनी भी कह सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़ायकेदार बनती है। आप लोग घर पर ज़रूर ज़रूर बनाएं। ये देखें, इसको हम 5 मिनट बनाते हैं और पकने देते हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, खोया फिरनी हमारी बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। अब हम इसे सर्व करते हैं। ये देखें, अब हम इसे प्यालों में सर्व कर रहे हैं। आप लोग घर पर ज़रूर ज़रूर बनाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार बनती है फिरनी। बनाएं, खाएं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब हम इसे बादाम और पिस्ते से गार्निश करेंगे। ये देखें, हम इसके ऊपर बादाम पिस्ते डाल रहे हैं अच्छे से, ताकि ये और जायकेदार और खूबसूरत लगे। हमने बादाम डाल दिया और इस पर डालेंगे हम पिस्ते। और हमारी खोया फिरनी अच्छी तरह से तैयार होकर गार्निश हो गई है। ये देखें,
माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी खोया फिरनी बनकर तैयार है। आप लोग घर पर ज़रूर ज़रूर बनाएं, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।